नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंद महासागर में स्थित एक छोटे से देश, यह देश इतना छोटा है कि मानचित्र में अगर आप देखोगे तो यह डॉट डॉट की तरह दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल भारत की लक्षद्वीप की तरह। लेकिन इसकी हिम्मत और साहस तो देखिए, यह भारत जैसे विशाल देश को आग दिखाने की हिमाकत कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मालदीव के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे मालदीव की रणनीतिक स्थिति के बारे में, भारत और मालदीव के रिश्ते के बारे में, आखिर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मालदीव, इसको भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ लेखराज। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं, यह मालदीप है। मालदीप लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है जो हिंद महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप से इसकी कुल दूरी 700 किलोमीटर और भारत के मूल भूभाग से इसकी दूरी लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। मालदीप को महत्वपूर्ण बनाता है इसकी शानदार लोकेशन। मालदीप एक ऐसे महत्वपूर्ण जलमार्ग से सटा हुआ है जिससे सिर्फ भारत का ही नहीं, चीन, जापान और कई देशों का ऊर्जा की आपूर्ति होती है। दरअसल हिंद महासागर में मालदीप की लोकेशन उसे अहमियत प्रदान करती है, क्योंकि मालदीप की हिंद महासागर में स्थिति एक टोल गेट की तरह काम कर रही है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिण और उत्तरी हिस्से में संचार के दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्थित हैं। इसके पश्चिम में अदान की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में मलक्का जल डमरू स्थित है, जो कि समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ खाड़ी देशों से जो भी पेट्रोलियम या कच्चा तेल आयात होता है वह इन्हीं रास्तों से आयात होता है, और सभी जो जहाजें होती हैं जो तेल लाती हैं वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, भारत का लगभग 97% व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से ही होता है, और हिंद महासागर में ही यह मालदीप स्थित है। हालांकि कुछ वर्षों से चीन हिंद महासागर के साथ साथ मालदीप में भी अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस क्षेत्रों के जलमार्ग के लिए संकट पैदा हो सकता है। मालदीप की विदेशी कर्ज में करीब 70% हिस्सा चीन का है। इस कारण चीन मालदीप पर दबाव बना सकता है और भविष्य में मालदीप की जमीन को भारत के विरोध में यूज कर सकता है। भारत का मालदीप में एक सैन्य अड्डा है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में इस सैन्य अड्डे को लेकर कुछ विरोध बढ़ रहा है मालदीप के अंदर। इसकी वजह है यहाँ रही पूर्व की अब्दुल्ला यामीन की सरकार, जो कि चीन की राग अलापा करती थी। उन्होंने भारत के साथ बेरुखी दिखाई और चीन के साथ मोहब्बत। एक रिपोर्ट के अनुसार इस छोटे से देश पर चीन का लगभग $2 बिलियन का कर्ज है, जो इस देश की कुल जीडीपी का 1% से भी अधिक है। चीन की पॉलिसी है किसी भी देश को इतना कर्ज में डुबो दो कि वो आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही न दिखा सके। यही काम चीन मालदीव में भी कर रहा है। हिंद महासागर के अंदर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए मालदीव की लोकेशन सबसे अच्छी लोकेशन है। उदाहरण के लिए, अगर आप सर्विस भी रखना चाहते हैं तो मालदीव की लोकेशन एक प्रकार का परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका मतलब सिंपल से ये है कि मालदीव एक ऐसी जगह स्थित है जिससे हम चारों तरफ नजर रख सकते हैं। यूरोप में जब महायुद्ध हो रहा था तो वाल्टा द्वीप, जो कि मेडिटेरेनियन के अंदर है, इसकी खासियत उसकी साइज नहीं था, उसका जियोग्राफी लोकेशन था, जो कि उसे एक स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता था। और सेम यही लोकेशन भारत के दृष्टिकोण से मालदीव की है। और हिंद महासागर में भी अगर आपको राज करना है, अपना दबदबा कायम करना है, तो उसके हिसाब से भी मालदीव की लोकेशन सबसे बढ़िया लोकेशन है। और इसको भारत और चीन दोनों अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाना है तो मालदीव को अपने कंट्रोल में रखना होगा। यह कंट्रोल शब्द में अंतर है। चीन वहाँ पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित करता है, वहीं पर भारत उससे सिर्फ सहयोग लेता है और उस सहयोग के बदले उसको बहुत सारे बेनिफिट भी प्रदान करता है। दोस्तों, बात करें भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक रिश्ते को लेकर, तो कभी भी इन दोनों के बीच एक समान रिश्ता नहीं
नहीं रहा, कभी खट्टा तो कभी मीठा रहा। भारत मालदीप को आजादी मिलने के बाद से ही उसका एक बहुत बड़ा सहयोगी पड़ोसी देश रहा है, लेकिन 2011 के बाद से ही मालदीप और भारत के रिश्ते के बीच खटास देखी जाने लगी। मालदीप में 2013 से 2018 के बीच अब्दुल्ला यामीन सरकार रही, यह चीन की करीब मानी जाती थी। इसी समय मालदीप में भारत से नाराजगी स्पष्ट देखी जाने लगी। यामीन सरकार के समय ही मालदीप चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया था। 2018 के बाद मालदीप में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार बनी। यह सरकार इंडिया फर्स्ट का नारा दिया करती थी। इस समय रिश्ते में काफी सुधार हुआ था, लेकिन 2023 में फिर एक बार चीन समर्थक मालदीप में सरकार बनी, जो इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आई थी। इसके प्रमुख मोहम्मद मौजूद, जो अभी वर्तमान में मालदीप के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया। इसके बाद इंडिया और मालदीप के बीच तनातनी साफ देखी जाने लगी। कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ फोटो शूट कराया और अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें शेयर किया, जिस पर मालदीप के कुछ मिनिस्टर्स बहुत ही भद्दी और गंदा कमेंट किए, जिसके बाद मालदीप वाइकॉट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बहुत सारे सेलिब्रिटियों ने भी मालदीप का ट्रिप कैंसिल किया। भारत से मालदीप जाने वाली फ्लाइटें भी रद्द की गईं, जिसके कारण मालदीप को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका भी लगा था, क्योंकि मालदीप की आर्थिक स्थिति वहाँ के टूरिज्म पर निर्भर करती है बहुत हद तक। हालांकि बाद में मालदीप सरकार ने खेद व्यक्त किया था और उन मिनिस्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी किया था। इस तरह से मालदीप के साथ भारत के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है, क्या लक्षद्वीप मालदीप का विकल्प बन सकता है सामरिक दृष्टिकोण से? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।